वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। यह है व्लॉग मेरा एट्रम मॉल का। मैं एट्रम मॉल जा रही थी। ये मैं बहुत टाइम के बाद अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ें ख़रीदी। और क्योंकि हर वक्त इंसान बोर होता है घर में और डिप्रेशन होता है, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें हट के मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये मैं एट्रम गई। एट्रम में मैंने बहुत चीज़ें सर्च की, बहुत चीज़ें मुझे लेनी भी थी। यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट होते हैं जहाँ पे हर वक्त अवेलेबल होती है यहाँ पे सेल, तो यहाँ पर आप जाके ज़रूर विज़िट करिएगा। और मैं आपके साथ शो करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी यहाँ से। यहाँ पे लोकल वैरायटी भी बहुत होती है। यहाँ से मैंने दो तीन जो आपको बाहर से 1500 के मिल जाते हैं, वो यहाँ पे भी आपको 1500 के टू टू पीस मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक दो शॉप ज़रूर विज़िट करूँगी। और ये मैं साया पे गई, साया पे मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई, मैं आपके साथ शो करती हूँ। दूसरा भी निकालना। क्या प्राइस है? सना सफीना बजे आई थिंक इस पे सही है। प्लेट इस पे प्लेट 50 प्लेट 40 साया ब्रांड पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। मुझे ये भी बहुत प्यारा लग रहा था और इसके कलर्स भी बहुत प्यारे थे, फैब्रिक भी बहुत प्यारा था। इस पर एनी टाइम आप इन, क्योंकि ये हैं फैक्ट्री आउटलेट, आप इन पे जब भी जाएंगे आपको सेल ही अवेलेबल होगी यहाँ पे, तो मस्त ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ये देखें, ये कलर भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये वन पीस था, इसके 1925 थे। ये भी टू पीस था या आई थिंक वन पीस था। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी भी बहुत अच्छे कलर्स थे, बाकी टू टू पीस भी थे। बाकी मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगी, सिर्फ साया की वैरायटी नहीं, बाकी और भी वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। स्पेशली ये जो वाइट और जिसके ऊपर सर्कल बने हुए हैं पर्पल कलर के, इसमें तीन कलर्स थे अवेलेबल। दो कॉलर के साथ थे, दो आई थिंक एक जो था उसका गला बहुत प्यारा था, तो वो मेरी बहन का दिल था कि मैं ले लूं, लेकिन वो नहीं ले सकी। उसने चलो मैं कोई और देख लूँगी, फिर उसको कोई और पसंद आ गया। और इंसान चाहता है कि ना कुछ डिफरेंट चीज़ें शो करे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ना हर बार आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शो करूँ, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ से डिप्रेशन से थोड़ा हट के, क्योंकि घरेलू मसले ही इतने होते हैं आजकल। हर कोई आजकल हर टेंशन में है, हर चीज़ में टेंशन, हर चीज़ बंदा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ आज शॉपिंग का व्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये देखें, ये साया पर था, थ्री पीस था या आई थिंक टू पीस था। इसमें तीन चार कलर से मुझे ये कलर भी, मुझे आजकल पता नहीं पिंक कलर क्यों इतना अच्छा लग रहा है। वो आजकल बड़ा फेमस है ना बारबी, तो आजकल पिंक वैरायटी बहुत आई हुई है। तो ये भी सेल पर ही था, काफ़ी का ये देखें 4000 का था, ये समथिंग 4500 से, क्योंकि टैक्स वगैरह भी आई थिंक ये कट करते हैं। तो ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था, ये टू पीस था। देखें ये ग्रीन कलर भी इतना प्यारा लग रहा था, और इसमें पर्पल भी था, इसमें पीच भी था, इसमें बहुत कलर थे और बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। यहाँ पे दिल कर रहा था बंदा सब ले ले, लेकिन इतने पहने नहीं जाते क्योंकि वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको एक दो अच्छे लग रहे हैं तो बंदा ले भी ले, पर इस बार वैरायटी बहुत ही अच्छी लग रही थी मुझे। तो ये देखें, ये पीच भी बहुत प्यारा लग रहा था, हर डिफरेंट डिफरेंट। ये इनके साथ मोनी थी, ये टू पीस थे, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। आप दुपट्टा तो कहीं लोकल मार्केट से भी शेफोन का आप बाय कर सकते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि ये लोग 350-400 एक दुपट्टे पे लगाते थे, तो इससे अच्छा है कि हम जो है ना कहीं और से बाय करें। 40% आप ही यहाँ देख लेते बेबीज, चल यहाँ देखना।
लेकिन आई थिंक फ्रॉक है, इसके क्या प्राइस है? आई थिंक ये न्यू में है। अच्छा और कोई देखते हैं, जे डॉट पे चलते हैं। जे डॉट पजामा अच्छा लग रहा है, फ्रॉक शर्ट होती है, सिंदन नहीं हमारा। क्या कह रही है? ये भी आप ही के? चलो अच्छा जी, हाँ टू पीस है, 1500 के। हाँ ऐसे कही है पहनने के लिए। अच्छा फैब्रिक भी अच्छा, सॉफ्ट है। कौन सी लॉन्? कस्तूरी लॉन्। टू पीस
रांची जाना है। ये लो हार का वैसे लैम लाइट सारा मुझे दिस शर्ट इज नाइस। क्या प्राइस है? 6,000 है क्या इसमें? कुछ नहीं, बस प्यारी रही है। कलर है ना इसके, कलर के भी अवेलेबल है, फंकी कलर्स के होते हैं। जेड आउट पर आ यार, सारे भूख लग रही है। 3,000 कोई ब्राइट ही नहीं। डीप डिजाइन ही देख लो सर, आपके लिए फ्रेम भी अच्छा था बजी। ये बोले थे ये भी अच्छा देखूंगी। सो गाइस, मैंने ये लिप ग्लॉस लगा के देखा था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं जाते टाइम दोबारा ले लूँगी। और ये दो परफ्यूम मैंने बाय किए हैं, जोया लिया है और सेकंड मैंने डीप डिज़ायर लिया है। ये मुझे दोनों अच्छे लगे थे और मुझे डिस्काउंट में पड़े, तो मैंने ये दोनों ले लिए। सो गाइज, ये फिर मैं एथनिक पे आई। एथनिक पे इतने अच्छे खुशों पर सेल लगी हुई थी, जो कि मैं मुझे ब्लैक चाहिए था। और ब्लैक का ये था कि गोटा वर्क था, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लैक हो चुका था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने सारे ब्लैक पड़े हुए थे, मैं आपको आगे शो करती हूँ।
और ज़्यादा कस के भी रखे हुए थे, ग्रीन और वाइट और रेड मैरून, हर अपने अपने प्राइस पर थे। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी क्योंकि मैं पीछे कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता, वरना मैं आपको बोलते हुए भी करती। लेकिन यह है कि मुझे बहुत अच्छे लगे। इसमें से मैंने ब्लैक तो ज़रूर बाय किया ही, जो कि 199 का था, 2000 तक का था, ये मैंने इसमें से बाय करे हैं। और बाकी कपड़ों में से अच्छा ख़ास वैरायटी नहीं थी, अच्छी थी पर इतनी सेल नहीं थी। आपको पता है ये कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, कुछ कभी समटाइम्स अच्छे मिल भी जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। तो इंसान जो है ना, देख सोच समझ के ही लेता है। तो मुझे यहाँ से जो चीज़ समझ आई मैंने बाय कर ली है, बस खुद सा ही बाय किया था। और मैंने यहाँ से परफ्यूम्स वगैरह बाय किए, इंसान आता जाता रहे ना तो फिर चीज़ें आराम से मिलती रहती हैं। तो मुझे ये अच्छे लगे, मैंने ये अभी भी रखे हुए, अगर जिनको चाहिए वो जाके ले सकता है। कितने का ये पूरा शॉप? अब बस हमें इतनी जल्दी थी क्योंकि हमने जो चीज़ हमें लेनी होती है वो हमें मिल जाती है ना, तो हम बस निकलने के करते हैं। तो ये आई थिंक भी मुझे पर्पल भी अच्छा लग रहा था, बस जल्दी में हमने प्राइस नहीं पूछे। तो ये भी बहुत कलर प्यारा लग रहा था, मल्टी यूनिकॉर्न कलर टाइप होता है ना, ये भी बहुत प्यारा था। और ये भी आई थिंक भी बहुत प्यारा लग रहा था, ग्रीन, आपको तो पता है 14 अगस्त पता है इंसान ग्रीन ही वेयर करता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था एथनिक पे, लेकिन मुझे लगता है इस पर सेल नहीं थी। कुछ चीज़ों पे सेल थी, जो कि बहुत पुराने आइटम होते हैं ना, वो आपको एट्रम मॉल में मिल जाते हैं। और बाकी न्यू वैरायटी आपको मॉल्स में मिल जाती है, जैसे डॉलमेन वगैरह हर चीज़, लेकिन ये न्यू में थे। कुछ चीज़ें जो न्यू में होती है ना, वो आपको हर जगह अवेलेबल होती हैं। सिर्फ एट्रम ऐसा है जो कि यहाँ पे थोड़े आलकुलेट होते हैं ना, जैसे फैक्ट्री के इस तरह की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ पे मस्ट विजिट कीजिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। अभी तक लगी हुई मॉल है, जब बारबी भी लगी हुई है।